नमस्कार दोस्तों, संडे कमेंट बॉक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका होस्ट रवि रविंदर आज फिर आप लोगों के सामने नई वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ। दोस्तों आज मेरे पास जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं, जो मैंने अपना नंबर पिछली वीडियो में दिया था 9255197255, डिस्क्रिप्शन में भी है और ये मैंने नीचे मैंशन भी कर दिया, कहीं यहीं साइड में आ रहा है, ये आप नंबर देख लीजिए। इस पर सिर्फ आप लोगों को किराने से संबंधित सिर्फ मैसेज छोड़ना है, व्हाट्सएप पर कॉल इस पर नहीं होंगी, और कॉल अगर आप करोगे तो मैं उठा नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलें आ जाती हैं, तो आप समझ सकते होंगे। अब बात करते हैं आप लोगों के सवाल के। मेरे इस चैनल पे सिर्फ किराना से रिलेटेड ही वीडियो बनती हैं। अगर आप लोग किराना की दुकान में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहला मैसेज लेता हूँ मैं अंकित साहू जी का। इन्होंने पूछा मुझसे कुरकुरे चिप्स नमकीन्स वगैरह में क्या रेट पड़ता है, कितने का क्या मार्जिन होता है। तो मैं बताऊं अंकित भाई को, ये जैसे 10 रुपये का MRP का है ये कुरकुरा, ये पड़ता आप लोगों को 8.5 रुपये का, 15% का मार्जिन होता, काफ़ी है, बहुत है। अगर ये नहीं भी बिकता तो आपके रिप्लेसमेंट हो जाती है। ले मोहित पकड़ बेटे। अब ये है जिस तरह लेज है, इस पर 20 है MRP, ये आपको 17 रुपये का पड़ता है, वही 15% मार्जिन इस पर भी है। अब इसी तरह आप आ जाइए हल्दीराम का कोई भी प्रोडक्ट है, ये 10 रुपये सेल का है। हल्दीराम की नमकीने, कोई भी नमकीने हो हल्दीराम की, ये है, ये साल्टेड पीनट, मतलब XYZ 10 रुपये सेल की कोई भी नमकीन हो, आपको 20% मार्जिन मिलता है। 8 रुपये की पड़ती है, 10 रुपये की सेल होती है। इसी प्रकार से लेज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि ये 8.5 रुपये का पड़ता है, 10 का सेल होता है। तो अंकित मेरे ख्याल से आपको मेरा जवाब समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ गौरव शर्मा का। ये कह रहा नई दुकान खोलने में कितना पैसा लगेगा। भैया मैंने इस टॉपिक पे पहले एक वीडियो बनाई भी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, आपको नई दुकान करनी है तो नई दुकान करने के लिए कितना पैसा लगेगा। पैसा आप कितना भी लगा सकते हो, कितना ही लगा लो वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपका बजट अगर कम है तो नई दुकान आप 20 से 25-30 हज़ार रुपये में भी स्टार्ट कर सकते हो, और बहुत सामान आ जाएगा 20-25-30 हज़ार रुपये में, 20 से 30 हज़ार के बीच में। अब ये मत बोल देना, कोई भाई कॉमेंट करके बोलेंगे कि 20-30 हज़ार का तो फ्रिज फ्रिज आएगा। आप घर का जो फ्रिज होता है उसको भी यूज़ कर सकते हो अगर स्टार्टिंग में काम करना है, अदरवाइज़ आप जैसे बजट ज़्यादा है तो आप 50 हज़ार रुपये तक लगाओ, 20 हज़ार का फ्रिज आएगा, बाकी आप 30 हज़ार का सामान ले सकते हैं नई दुकान। 20 मैंने अपनी दुकान मेरी मैक जहाँ तक मुझे याद है मैंने 20 हज़ार से ऊपर का सामान लिया नहीं था, और 20 हज़ार रुपये में बहुत सामान आ जाता है। स्टार्टिंग में 20 हज़ार रुपये का सामान लेके बैठा था मैं, आज वो अलग बात है, आज मैं डेली का 20 हज़ार का सामान खरीद रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैंने 20 हज़ार रुपये का सामान लिया था, स्टार्टिंग में। तो गौरव भाई आप 20-25-30 हज़ार रुपये तक अगर आपका कम बजट है तो खोल सकते हो, और ऊपर है तो आप कितना भी ले सकते हो। हाँ एक चीज़ का आप ख्याल रखना, अगर आपका बजट बढ़िया है तो आप ऐसी चीज़ें मत रखना जो महीने में एक या दो सेल होती हो। इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, पूरी लिस्ट दे रखी है मैंने कि आपको क्या क्या रखना है नई दुकान में, वो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है जमाल है यूपी से। जमाल का क्वेश्चन है कि भाई रेंट पे दुकान ली है, आपसे सलाह लेनी है, 4 महीने हो गए इसको जमाल को रेंट पर दुकान लिए हुए, यूपी से है। अब ये कह रहा है कि मेरे से सलाह लेनी है, क्या सलाह लेनी है, मतलब अभी तो इसने दुकान कर ली है, इसने की है छोटी दुकान, जैसा इसने मैसेज में बताया कि भैया छोटी दुकान ली है, चलो छोटी कर ली कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना था आपको, आपने रेंट पे लिए तो सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए आपको उसका किराया निकालना है। अगर आपकी अपनी दुकान होती तो आपको टेंशन नहीं थी, आपने सबसे मैं गलती भी नहीं कहूँगा, आपको डीमोटिवेट नहीं करूँगा, क्योंकि छोटी दुकानें चलती नहीं है। आप मेरी एक वीडियो है, मैंने उसमें बोला है कि छक्का कोई भी काम करो छक्का मार के करो, दुकान बड़ी होगी तो सामान ज़्यादा आएगा, कस्टमर को लगेगा कि बहुत ज़्यादा सामान है, मार्केट ना जाने के बजाय आपकी दुकान से सारा आइटम मिल जाता है। चलो कोई बात नहीं, छोटी है तो आप छोटी दुकान में भी पूरा माल भर के रखना, आपकी दुकान चल जाएगी। और रही बात किराए की, आप ये नहीं कि भैया आपकी दुकान चल गई और मकान दुकान का मालिक बोले 2-3 महीने के बाद भैया मेरी दुकान खाली कर दो, इस तरह का मत करना। उससे पहले आप डील कर लेना कि भैया मेरे को 4-5 साल से पहले मैं दुकान खाली करने वाला नहीं हूँ, अगर आपको लगता है कि आपकी दुकान चल जाए। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूछ रहे भवासर सन्नूर भाई, मैं 50 हज़ार रुपये लगा के किराना स्टोर खोलता हूँ, 4 मंथ हुए हैं, इनकम कैलकुलेट नहीं हो रहा,
इन्होंने 50,000 रुपये, जैसे ये पिछला ही क्वेश्चन था जमाल का, इसी तरह ये क्वेश्चन है कि भैया 4 महीने हुए हैं और ये कह रहे हैं 50,000 रुपये लगा के इसने किराने की दुकान खोली है। 50,000 रुपये ठीक है, इसने लगा दिया, इनकम कैलकुलेट नहीं हो रही। मेरे भैया, अगर आपकी किराना प्लस कन्फेक्शनरी, कन्फेक्शनरी का भी आइटम है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, पानी वगैरह, सोडा वगैरह, तो आप 20% मार्जिन मान सकते हो। अदरवाइज़ आपको 18% मार्जिन मानिए, अगर खाली किराना की शॉप है। 20% मान के चलिए आपकी एक दिन की सेल है 10,000, 20% हुआ 2,000, तो 2,000 रुपये आपकी बचत है। एक दिन की सेल है आपकी 3,000, जो तकरीबन छोटी दुकानों की हो ही जाती है, तो आपका मार्जिन हुआ 600 रुपये। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 20% मार्जिन आपको मिलेगा ही। अभी ये नहीं है कि मैंने चिप्स दिखाए वो 15% थे, नमकीन थी वो 20% है। कुछ आइटम ऐसे होते हैं कन्फेक्शनरी की शॉप में जिसमें ज़्यादा मार्जिन भी होता है, तो आपको मतलब सब कुछ लमसम करके 20% पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा एचआर वाले, एचआर मींस हरियाणा। भाई जी, सर्फ में कितना मार्जिन होता है? भैया देखो, सर्फ आप लोकल लो या ओरिजिनल लो, ब्रांडेड लो, सर्फ एक्सेल है, टाइड है, ब्रांडेड है, 20+ मार्जिन है, 20% तक मार्जिन है। लोकल में इससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन इनमें भी बहुत बढ़िया मार्जिन है। सर्फ में आपको टेंशन की बात ही नहीं, आप सर्फ, एक चीज़ हो रहा है जो नई दुकान कर रही है ना, सर्फ पूरी क्वांटिटी में रखना, पूरा माल भर के रखना ना, तो ये ख़राब होगा, और ये बिकता ही रहता है। सर्फ से दुकान भी थोड़ी भरी हुई लगती है। हर तरह का सर्फ रखना जो आपके यूज़ होता है, आपकी नियर बाई में, कॉलोनी में जो यूज़ होता है, आप वो सर्फ रख लेना। तो इसमें मैं मार्जिन की बात करूँ तो 20% मार्जिन आपको मिल जाता है। अच्छा, प्रेम वर्मा पूछ रहे हैं कि भाई बड़े भाई, ट्रांसपोर्ट का खर्चा और लेबर तो एक्स्ट्रा होगा। भैया देखो, लेबर की बात करता हूँ पहले मैं। लेबर आपने मीडियम लेवल या छोटे लेवल पे दुकान कर रखी, मेरी मीडियम लेवल की है, मैं छोटे की भी नहीं कहता, स्टार्टिंग की थी छोटे लेवल से, लेकिन फ़िलहाल मीडियम लेवल के। तो लेबर मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरी दुकान पर एक बंदा था, वो चला गया था, मोहित करवा देता थोड़ी बहुत हेल्प। लेबर का हुआ, लेबर आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेबर का कोई खर्चा ही नहीं है। अगर बड़े लेवल पे आपको बाज़ार में दुकान करनी है, जैसे मेन बाज़ार में, तो आपको एक दो बंदा रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ कॉलोनियों में इसकी ज़रूरत नहीं होती। अब रहा ट्रांसपोर्ट का, भैया मैं बता दूँ, 70% माल आपकी दुकान पर आपको जो जिस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, वो अपने आप पहुँचा देगा। एक बार आपने दुकान कर ली, उसके बाद आपके उससे कॉन्टैक्ट हो जाएंगे, टोटली सामान आपके पास आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाना पड़ेगा, आपको मतलब सामान कुछ ना कुछ लाना ज़रूर पड़ेगा। अच्छा है कि ये विकास परमार हैं, ये पूछ रहे हैं भाई, ये बताओ कि सूजी, मैदा, आटा और दाल को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं? देखो, अभी तो सर्दी है, तो सर्दियों में कम ख़राब होते हैं, लेकिन गर्मी की बात करूं, सूजी और मैदा 1 महीने से ज़्यादा नहीं चलेंगे, वो ख़राब हो जाती है। तो आपको इतना माल रखना होगा कि आपको लगे कि वो बिक जाएगा, सूजी और मैदे की बात कर रहा हूँ। अब बात करता हूँ आटे की, आटा पैकिंग में आता है, 3 महीने का टाइम होता है, आराम से बिक जाता है, आटे की तो कोई टेंशन है ही नहीं। रही दाल, दाल का मैं जैसे करता हूँ, मैं पूरे बोरी की बोरी लाता हूँ, 25 से 30 kg होती है, वो बिक जाती है। अगर नहीं भी बिकती है तो एक गोली आती है, 60 रुपये का डिब्बा आता है दाल में रखने का, आप एक बोरी में 3 से 4 गोली रख दीजिए, कपड़े में बांध के, आप वो ख़राब नहीं होती। तो आज के क्वेश्चन तो मैंने ले लिए हैं, यही इतने ही क्वेश्चन थे जो मुझे लगे कि ये मेन क्वेश्चन है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिए हैं। अब बात करता हूँ दूसरे भाई, एक भाई ने मेरे से कॉल किया था, कर्नाटक साइड से था वो, कि भैया मुझे दुकान करनी है और मेरा 5-6 लाख रुपए का बजट है। तो मैंने उसको बोला कि भैया 5-6 लाख रुपए का बजट है तो कॉलोनी में दुकान करोगे तो आना कस्टमर फिर भी कॉलोनी का ही है, आप मार्केट में करो, इससे अच्छा दुकान है, 5-6 लाख रुपया कम नहीं होता, बहुत बड़ी दुकान हो जाएगी 5-6 लाख रुपये में, बहुत बड़े लेवल पर हो जाएगी। तो आप, मैंने उस भाई को यही बताया कि भैया अगर मार्केट में दुकान करोगे तो 5-6 लाख रुपया थोड़ा कॉलोनी में लगाओगे, वही नियर बाई के कस्टमर आएंगे, 1 लाख में भी उतना आएगा, 5-6 लाख में भी उतना आएगा। अगर वही पैसा आप मार्केट में लगाओगे, कॉलोनी बाज़ार में लगाओगे, तो उसमें आप ही का फ़ायदा है। तो ठीक है गाइज, ये थे आप लोगों के सवाल और मेरे जवाब। अब अगर आपको नेक्स्ट कोई भी, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में और स्टार्टिंग में बताया कि मेरा ये नंबर है, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर डाल दिया है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, रवि_दी_लटवाल राइडर, ये मेरी
इंस्टाग्राम आईडी है। अब काफ़ी दिनों के बाद मेरी वीडियो आई है, उसका रीज़न यही था कि मैं और मोहित और दो अंकल, आप लोगों को अगर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा मेरा एक दूसरा चैनल है, थोड़ा घूमने फिरने का शौक है, तो मैं वहाँ वैष्णो देवी गया हुआ था। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देता हूँ मैं आप लोगों को, अगर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं तो आप वहाँ जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे सवालों का जवाब आप लोगों को ऐसा ठीक मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ आपको आपकी किराना से रिलेटेड ही सभी जानकारियाँ लेके, तब तक के लिए जय माता दी।